डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आज मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी शिवालयों में सूर्योदय के साथ ही शिव भक्तों द्वारा जलाभिषेक शुरू हो गया है। मेरठ में बाबा अवगणनाथ मंदिर में श्रावण मास का मेला भी शुरू हो गया है। कांवड़िया सड़क पर नजर आने लगे हैं, लिहाजा बैरिकेटिंग की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। इसके अलावा जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जिले के सभी बोर्ड के स्कूल कल यानी 19 जुलाई से 26 जुलाई तक के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी क्रम में BSA योगेंद्र कुमार ने अपने संशोधित आदेश में जिले के सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मान्यता और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 19 जुलाई से अवकाश घोषित कर दिया है। अभी विद्यालय 28 जुलाई को यथावत खुलेंगे। उधर IG रेंज प्रवीण कुमार ने आज अवगणनाथ मंदिर में शिव भक्तों की तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने इस मौके पर यह जानकारी दी। देखिए, हरिद्वार से आने वाले सभी रूट पे, चाहे वो गंग नहर का हो या सड़क मार्ग पे अन्य जो वैकल्पिक मार्ग है, वहाँ पर भी सभी जगह पे व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स थे, उन सब लोगों से संवाद बनाया गया, उनको भी सभी लोग वहाँ पर तैनात हैं। विभिन्न कांवड़ शिविर लगाने वाले लोगों से भी वार्ता की गई है और जो आवश्यक व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा हमारे शहर में हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम, जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का है, उसको भी स्थापित किया गया है, जहाँ पर हर विभाग के लोग मौजूद हैं और लगातार हेल्पलाइन नंबर्स पे जो बात करने पर जहाँ जहाँ पर कोई फीडबैक्स आ रहे हैं वहाँ पर उसको दुरुस्त किया जा रहा है। और सीनियर ऑफिसर्स के रूप में सभी लोग भ्रमणशील लेकर के जो जो व्यवस्थाएँ ऑलरेडी है उसमें जहाँ जहाँ आवश्यकता उसको सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर के लगातार हम लोग सतर्क हैं, तकनीक का भी एक स्पेशल निवेश किया गया है सुरक्षा में, और लगातार हम आश्वस्त हैं कि यह व्यवस्था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।